गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम अर्थात इंग्लिश में प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा की जगह यानी संज्ञा यानी नेमिंग वर्ड नाम वाले शब्द, उनकी जगह जब हम कोई दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सटीक ढंग से इसकी परिभाषा होगी कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, या जो शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो देखते हैं कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं और किसके साथ कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो होते हैं मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे, उसे और आप। इस तरह से ये सर्वनाम होते हैं, ये संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। दूसरी तरफ जब बहुवचन में प्रयोग करते हैं, उसने, उन्होंने, तुमने, मैंने, उन्हें, उन, ये शब्द भी सर्वनाम शब्द हैं। अब इनको किस तरह से प्रयोग करते हैं वो भी देखते हैं। मैं के साथ मुझे और मेरा, ये सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम अपने लिए कुछ बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यह मेरी चीज है, यह मेरा बैग है, या मम्मी मुझे खाना दो। तो इस तरह से हम अपने लिए मुझे और मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। वहीं हम बहुवचन शब्द है तो तब हम हमें और हमारा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यह हमारा घर है, क्योंकि घर एक आपका तो नहीं होगा, उस आपके घर में जितने लोग रह रहे हैं उनका होगा। तो आप बोल सकते हैं यह हमारा घर है, हमें घूमने जाना है, हम घूमने गए। तो जब हम शब्द आता है तो उनके सर्वनाम हमें और हमारा होता है। वह के साथ उसे और उसका, वे है तो वह सिंगुलर यानी एक वचन है, वे बहुवचन है तो उन्हें और उनका, यह एक वचन है, यह के साथ इसे और इसका, ये बहुवचन है तब इन्हें और इनका, फिर तुम के साथ तुम्हें और तुम्हारा, आप अपने और आपका। तुम शब्द छोटों के लिए या आपके फ्रेंड्स या आपके बराबर वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। आप शब्द हमेशा बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ सर्वनाम दिए गए हैं जो एक वचन और बहुवचन में है। जैसे मैं एक वचन है क्योंकि मैं आप अपने स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे तो आप अकेले ही हैं। हम आप सभी के लिए प्रयोग किए करेंगे जब आपके साथ दो तीन चार हो। आप अपनी मम्मा को बोलते हैं ना, मम्मा हमारे दोस्त आए हैं, मम्मा हम लोग खेलने जाएं। इस तरह से जब आप सिंपल लैंग्वेज में या रोज की बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तब एक से ज़्यादा है तब हम। यह शब्द जो है पास होने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये शब्द कोई दूर चीज बताना है तब प्रयोग किया जाता है। उसे शब्द दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। उन्हें बहुवचन है, ये भी दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। उसे एक वचन है और उन्हें बहुवचन है। इसी तरह तू
एक अकेले को बोल रहे हैं तो आप तू, वो भी अगर आपसे कोई छोटा है तो, या आपके बराबर है तो। बड़ों को कभी भी आप तू और तुम नहीं बोल सकते और बोलना नहीं चाहिए। वह शब्द दूसरों के लिए है, वे शब्द बहुवचन है, वह का, मेरा और हमारा, यानी आप अपने अपने के लिए बोलते हैं तो मेरा, और बहुत सारे लोग हैं आप साथ में हैं तब हमारा। तो इस तरह से हम संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, और आपके ही पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 36 पर दिए गए अभ्यास को हल करते हैं। पहला प्रश्न, मैं शब्द किसके लिए बोलते हैं? तो मैं शब्द मैंने पहले ही बताया कि स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, आप अपने दादाजी के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ये आप स्वयं लिखिए, आप किसी भी नोटबुक में, जरूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन हिंदी की नोटबुक में लिखें, लेकिन ये आप कहीं पे भी प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। प्रश्न 1, दिए गए सर्वनाम शब्दों में सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द हैं, उनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है तो हमें उस पर निशान लगाना है। जैसे तुम, खिलौना और कमीज, तो देखिए तुम सर्वनाम शब्द है, खिलौना और कमीज दोनों संज्ञा शब्द हैं। फिर है मेज, आप, भालू। अब मेज और भालू दोनों संज्ञा शब्द हैं, आप सर्वनाम शब्द है। किताब, पेंसिल और मैं, तो किताब और पेंसिल दोनों संज्ञा शब्द हैं, मैं सर्वनाम शब्द है। उसे, बोतल, घड़ी, बोतल और घड़ी दोनों संज्ञा शब्द हैं, उसे सर्वनाम शब्द है। फूल, उन्हें और कप, तो फूल और कप दोनों संज्ञा शब्द हैं, उन्हें सर्वनाम शब्द है। तो इस तरह से हम इन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, सोचिए, समझिए और मिलान कीजिए। देखिए इस तरफ जो भी दिए गए हैं वो सभी सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, और इस तरफ वाक्य दिए गए हैं। अब हमें सही सर्वनाम शब्द को उनके वाक्य के साथ मिलाना है। पहला उदाहरण दिया गया है, वह गाना सुन रहा है। दूसरा है आप, तो हम आप के साथ आप है, इसका मतलब कोई बड़ा है, जो वाक्य होगा किसी बड़े के लिए होगा। तो हम इनमें से देखेंगे कि बड़े के लिए वाक्य कौन सा है, सारा काम कर लिया, नहीं, फल बहुत अच्छा लगता है, नहीं, वह पढ़ने में बहुत अच्छी है, नहीं, क्या लिख रहे हैं। देखिए जब हम यहाँ पर पढ़ते रहे हैं, ये आगे जब हम क्रिया पढ़ेंगे तब आएगा हैं, यानी यहाँ पे एक ही चीज़ के लिए हमेशा है शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन जब किसी बड़े के लिए हम प्रयोग करते हैं तब बहुवचन में प्रयोग करते हैं रहे हैं। तो यानी आप क्या लिख रहे हैं, इस तरह से हम मिलाएंगे। फिर मैंने सारा काम कर लिया, उसे फल बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है, इस तरह से हम सर्वनाम शब्दों को उनके वाक्यों के साथ मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। यानी यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें कौन सा सर्वनाम शब्द है उस पे हमें गोला लगाना है। जैसे यह मेरी कमीज है, तो देखिए इसमें 2 सर्वनाम शब्द हैं, एक तो यह सर्वनाम शब्द कमीज के लिए प्रयोग किया गया है, और मेरी आपके स्वयं के लिए किया गया है। उसके बाद
तुम्हारा बैग कहाँ है? तो तुम्हारा, इसमें सर्वनाम शब्द है तुम्हारा। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, मैं। आप क्या बना रही हैं? तो इसमें सर्वनाम शब्द है आप। अगला प्रश्न है, दिए गए सर्वनाम शब्दों की मदद से खाली जगह भरिए। देखिए यहाँ पे हमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनकी मदद से हमें खाली जगह भरनी है। पहला है, क्या खाली जगह कल आएंगे? आएंगे, देखिए ये बहुवचन शब्द है, अर्थात किसी या तो बहुवचन है या फिर कोई बड़ा है। तो अब हमें इनमें से देखना है कि वह शब्द कौन सा है। तो क्योंकि ये बहुवचन है तो पहले हम इनमें से बहुवचन शब्द ढूंढ लेते हैं। तो बहुवचन शब्द है वे, तो कल वे आएंगे। उसके बाद है काम खुद करो, अर्थात अपना काम खुद करो, हम यहाँ पे लिखेंगे अपना। अगला है, क्या नाम है? तो तुम्हारा क्या नाम है? मम्मी पढ़ाती हैं। तो उसकी मम्मी पढ़ाती हैं। अगला है, साथ बहुत मजा आता है। तो हमारा अंतिम वाला, उसके इस तरह से हम खाली जगह को उनके सही सर्वनाम के साथ भरेंगे। उसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न है, अपनी तस्वीर चिपकाइए और अपने बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको आपकी खुद की फोटो लगानी है और आपके विषय में आपको आपके ये 4 वाक्य लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, मेरा नाम जो भी आपका है आप वह लिखेंगे, आप 4th कक्षा में पढ़ते हैं या आप 4th में पढ़ते हैं, मेरी मम्मी का नाम, मेरे पापा के नाम, मुझे फल खाना अच्छा लगता है। इस तरह से आप कोई भी 4 वाक्य लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने सर्वनाम शब्दों को सीखा और जाना कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा के अनुसार एकवचन या बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।